बच्चों, मैं बलराम सिंह अपने YouTube चैनल भूमि डायरी रियल स्टेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, थंबनेल में हम आप 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और पहला क्वेश्चन है विचलन कौन। ये 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के या 1-1 नंबर के आएंगे, बन सकते हैं। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको लगेगा कि हाँ, कुछ सीख लिया इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं हम, और इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है विचलन कौन। देखिए, विचलन कौन, सिंपल सा क्वेश्चन। विचलन कौन, ये क्या होता है विचलन कौन। क्वेश्चन आता है विचलन कौन किसे कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्या किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, विचलन कौन में देखिए कि जब किसी प्रिज्म से, ध्यान से देखना बेटा, थ्योरिकल क्वेश्चन है, डायग्राम के द्वारा ही समझ से आता है कि जब किसी प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि जब कोई किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वहां से होता है इसका अपवर्तन। क्या होता है बेटा, अपवर्तन, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई और यहां से फिर क्या हो गया इसका, फिर अपवर्तन हो गया किरण है बेटा। तो ये तो होती है आपतित किरण। बात हम किसकी कर रहे हैं, विचलन कोण की। आपतित किरण ये है प्रिज्म और ये है निर्गत किरण। कौन सी किरण बेटा, निर्गत किरण। तो लैंग्वेज बनती है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, बीच के कोण को, सुना ध्यान से, कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, ज्यादा निर्गत हो गई इतना नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब ये बोलोगे बच्चे सर बनता कहां पर है, तो ये तो होता है आपतन कोण, यहां बन जाए, और ये होता है निर्गत कोण। क्लियर है। अब देखें तो ये किरण की डायरेक्शन यहां आता है, समझने की कोशिश है बेटा, और इसका डायरेक्शन जाता है इधर। ठीक है, तो जब हम इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएं, तो इन दोनों किरणों के बीच में बनने वाला कोण, जहां पर भी ये काटेंगी एक दूसरे को, वहां पर बनने वाले कोण को क्या, कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो लैंग्वेज बनती है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं, और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया हुआ थोड़ा सा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं।